मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब को तू याद ना कर। मींड का ये यूज़ देखिए, सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन रियाज करेंगे तो आपको पता चलेगा। आसान चीज़ को मुश्किल करना बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। ये मेरी खुद की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। आसान चीज़ को मुश्किल करना बहुत आसान है, मुश्किल चीज़ को आसान करना मुश्किल है। कि ये गाने राग बेस्ड हैं इसलिए आज अमर हैं। राग अपना काम करता है दोस्तों, कंपोजिशन अपना काम करती है दोस्तों, और लेजेंडरी सिंगर मुकेश साहब अपना काम करके गए हैं इसलिए आपको ये गाने आज भी याद हैं दोस्तों। इस चीज़ की कदर करें। मेरे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज आपके समक्ष 27th ऑफ अगस्त को 45th डेथ एनिवर्सरी ऑफ रिस्पेक्टेड मुकेश चंद माथुर साहब, हमारे लेजेंडरी सिंगर, हमारे आदर्श, उनकी पुण्यतिथि पर मैं एक ट्रिब्यूट लेक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं, अ वॉइस ऑफ अ कॉमन मैन, ऐसे सिंगर जिनकी आवाज़ को हम सब चलते फिरते गुनगुनाते हैं दोस्तों, जिनके गाने हम आज भी भूलते नहीं, अविस्मरणीय गाने हैं, और क्या खूबसूरत कंपोजिशंस उन्होंने गाई है। आज मैं राग बेस्ड कंपोजिशंस ऑफ रिस्पेक्टेड मुकेश चंद माथुर साहब मैं आपके समक्ष रखूंगा। क्या शास्त्र है, कौन कौन से गाने उन्होंने राग बेस्ड पे गाए हैं, देखिए ये जो गाने आज मैं गाने वाला हूँ, जो इसका शास्त्र मैं डिस्कस करूँगा और क्यों इन रागों पर है, ये सुनने में आसान लगते हैं दोस्तों, लेकिन जब आप गाएंगे रियाज करेंगे तो आपको इसकी सूक्ष्मता दिखेगी दोस्तों कि गाने इतने आसान नहीं हैं। लेक्चर पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक पर डिस्कशन आज तक हुआ नहीं है, तो मैं चाहूँगा दोस्तों वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप मुकेश सर के फ़ैन हैं तो कमेंट करके बताएं जी हाँ हम सपोर्ट करेंगे, और आप आश्वासन देंगे मुझे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम सब जानते हैं, रागों का राजा राग यमन का प्रयोग देखिए मुकेश चंद माथुर साहब ने इस राग में। मैं दो कंपोजिशन आज शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको लेके चल रहा हूं दोस्तों, 1968 में एक मूवी आई थी सरस्वती चंद्र, जिसमें कल्याण जी आनंद जी साहब का म्यूज़िक था। देखिए कल्याण जी आनंद जी साहब और शंकर जयकिशन साहब, इन दो संगीतमयी जोड़ी ने मुकेश चंद माथुर साहब को सबसे अच्छे कंपोजिशंस दिए और राग बेस्ड कंपोजिशंस दिए, मैं आज डिस्कस करूंगा। सबसे ज़्यादा कंपोजिशंस आज कल्याण जी आनंद जी साहब की ही डिस्कस करूंगा, फॉलोड बाय शंकर जयकिशन साहब और खयाम साहब। तो ये ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं दोस्तों जिन्होंने मुकेश साहब की आवाज़ बहुत अच्छे से यूज़ की है, और मुकेश जी की आवाज़ हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। सिंपल एकदम सटीक उनकी आवाज़ थी, सुरीला गाते थे दोस्तों, लेकिन फॉलो करना इतना भी आसान नहीं था, वो आपको पता चलेगा इन कंपोजिशंस से। सबसे पहली कंपोजिशन चंदन सा बदन, राग यमन, 1968 में लेके चल रहा हूँ सरस्वती चंद्रा। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये, अब ये देखिए स्वरों का लगाव आप। मुस्काना मुझे दोष ना देना, जग वालों मुझे दोष ना देना, जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। अब आप देखिए राग यमन, निरगामा पमा गामा धपा माधानी मानी धपा मगरे सा। अब इसको कोरिलेट करते हैं इस कंपोजिशन से, तो संपूर्ण यमन की झलक आपको दिखेगी दोस्तों। देखिए पापा मगरे सा, पापा मा गरे सा, नी नी रे 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 गरे सा गरे गा, गामा पा धा 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 पा पानी धा पा मा पा, गामा पा धा 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 पा पानी धा नी पा सा 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 नी पा मा पा, गामा पा मा पा पापा मा गरे सा पापा मा गनी सा। तो ये खूबसूरत रचना दोस्तों ताल कैरवा पर कल्याण जी आनंद जी साहब ने बहुत ही खूबसूरती से इसको कंपोज किया। अंतरा पे भी अगर हम नज़र डालें दोस्तों,
तो संपूर्ण यमन हमको दिखती है इस गाने में दोस्तों। तन भी सुंदर मन भी सुंदर तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी मुझे तेरी बहुत जरूरत है। अब सागा गागा या गंधार कोमल से मिश्र यमन होती है, लेकिन पहले भी बहुत मैं तड़पा हूँ, पहले भी बहुत मैं तड़पा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सबदन चंचल चितवन। तो ये पहली कंपोजिशन दोस्तों राग यमन में। इसी राग में खयाम साहब ने 1976 जो कि संगीत के लिए बहुत ही ब्लैक ईयर मैं कहूँगा, क्योंकि इसी साल मुकेश चंद माथुर साहब हमें छोड़ के चले गए थे, यूएसए में उनकी डेथ हुई थी दोस्तों। लेकिन कभी कभी में देखिए क्या खूबसूरत रचनाएं खयाम साहब ने की है मुकेश साहब के लिए। और इसी राग में राग यमन में देखिए आप। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, माधा की संगति, पापा माधा पा मा गरे गा 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 धा पा 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 मा रे गरे सा गा 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 रे गा गा की पुनरावृत्ति जो कि कल्याण अंक का सूचक है, इसलिए ये यमन है। गा गा गरे गा गरे गा गरे गरे सा सा रे रे गरे सा सा नी धा पा मा गा मा पा 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 धा धा नी धा पा पा मा धा पा गा 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 गरे गा गरे गा गरे गरे सा सा रे रे गरे सा सा नी धा पा पा मा धा पा मा गरे गा। गंधार का बहुत्व न्यास यूज ये यमन का ही सूचक है दोस्तों। तो दो कंपोजिशंस मैंने आपको बता दी यमन पर। अब तीसरी कंपोजिशन इस ही राग से निकलने वाला एक और राग है दोस्तों। जी हाँ, रागंग पद्धति के अनुसार भोपाली कल्याण अंग का राग है, है कि नहीं। सारे गा पा गरे सारे दा गरे सारे गा पा। अब देखिए, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कौन सी मूवी थी दोस्तों? इसी मूवी का गाना है कभी कभी 1976। अगेन खयाम साहब को सल्यूट करता हूँ। कल्याण अंग के दो राग का इन्होंने यूज किया और मुकेश साहब को गवाया है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, देखो आप पूरी भोपाली है। गा गा गरे रे गरे सा 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 सा। रफी साहब किशोर कुमार साहब ने एक अलौकिक राग शिवरंजनी में देखिए क्या गजब की रचना गाई है। अब क्योंकि मुकेश साहब की बरसी का मौका है दोस्तों, 45th डेथ एनिवर्सरी है, तो ये गाना मैं आपके समक्ष ना प्रस्तुत करूँ तो ये ट्रिब्यूट बहुत अधूरा हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको ना भूल पाएंगे। राग शिवरंजनी मैं बहुत बार वर्णन कर चुका हूँ इसका इन दोनों लेक्चर्स में। सारे गा पा धा सा अलौकिक शक्ति है दोस्तों। शिव का वर्णन है, शिव का ही नाम है, इसलिए इसमें कुछ भी आप कंपोज करो वो अच्छा ही लगेगा। सारे गा पा धा सा रे गा रे गा रे गा रे सा धा धा पा धा धा पा धा पा गा रे सा पा पा पा। आप अंतरा देखिए, आपके अंदर एक पैथोस की फीलिंग दोस्तों आ जाएगी।
मेरे कदम जहां पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहां पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। अब देखिए जाती हुई अवरोहात्मक क्रम दिखाया है शंकर जयकिशन साहब ने। जाती हुई बहार ने जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह नजरों को हम बिछाएंगे। तो ये गजब की रचना हमने देखी राग शिवरंजनी में। आई होप आपको बहुत आनंद आ रहा है, जानकारी मिल रही है कि ये गाने राग बेस्ड हैं, इसलिए आज अमर हैं। राग अपना काम करता है दोस्तों, कंपोजिशन अपना काम करती है दोस्तों, और लेजेंडरी सिंगर मुकेश साहब अपना काम करके गए हैं, इसलिए आपको ये गाने आज भी याद हैं दोस्तों। इस चीज़ की कदर करें। और ताल दादरा में ये पिरोया गया है। अगली जो रचना ले रहा हूँ दोस्तों वो भी ताल दादरा में ही है, लेकिन ये जो रचना है दोस्तों कल्याण जी आनंद जी साहब की अविस्मरणीय रचना, माई फेवरेट सॉन्ग राग मियाँ की तोड़ी पर ही आधारित है। तोड़ी का सिर्फ मैं स्वरूप बताऊँगा आपको। सा। अब आप देखिए इस राग में अगर मैं ऋषभ और धैवत आरोह में वर्जित कर दूं सिर्फ तो राग मुल्तानी होती है। सा ग मा प मा ग रे सा, मुल्तानी भी तोड़ी अंक का राग है। अब इन दोनों राग का असर इस कंपोजिशन में, कौन सी कंपोजिशन है? मैं तो एक ख्वाब हूँ, एक मूवी आई थी दोस्तों हिमालय की गोद में 1965, कल्याण जी आनंद जी साहब की एक गजब की रचना दोस्तों। मैं तो एक ख्वाब हूँ। अब देखिए ये मुल्तानी अंग है। सागा पा मा पा पा पा, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब को तू याद ना कर। मींड का ये यूज देखिए सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन रियाज करेंगे तो आपको पता चलेगा आसान चीज को मुश्किल करना बहुत आसान है। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरी खुद की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। आसान चीज को मुश्किल करना बहुत आसान है, मुश्किल चीज को आसान करना मुश्किल है। अब आप देखिए, मैं तो एक ख्वाब हूँ। अब आसान चीज को तो हर कोई मुर्गियां लेकर अपनी कलात्मक पक्ष डालकर आसान मुश्किल कर सकता है, मुश्किल चीज को आसान करना आना चाहिए। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब को तू याद ना कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब। अभी नी कोमल लग गया इसलिए मिश्र तोड़ी हो जाती है दोस्तों। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार ना कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। अब आप इसका शास्त्र देखिए दोस्तों, मुल्तानी दिखती है। सागा पा मा पा पा पा, अब पा पा धनी नी 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 सा धनी धा पा मा गा। सागा पा मा पा पा पा। अब आप देखिए कहाँ पर तोड़ी भी दिखती है हमें, वो अंतरे में दिखती है दोस्तों। ये हवाएं कभी गुलशन में चली जाएगी, लौट कर फिर कभी गुलशन में नहीं आएगी। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार ना कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। कल्याण जी आनंद जी साहब की रचना देखिए आप। अब गरे नी धा पा धा 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 नी सा
धधनी रे 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 गरे गरे सनी धा सा धा गरे नी धनी नी 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 कोमल है मिश्र तोड़िए नी नी सारे अब नी सारे रे रे अब ये नी सारे रे 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 की पुनरावृत्ति जो कि मुल्तानी को खत्म करता और तोड़ी को जागृत करता है। नी नी सा रे 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 गरे गरे सा नी ध सा नी पा गा सा गा पा मा पा 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 धा नी 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 रे धा रे नी धा पा मा गा सा गा पा मा पा पा पा। पंचम की पुनरावृत्ति जो कि वादी स्वर है राग मुल्तानी का, तो ये दो राग की छठा कल्याण जी आनंद जी साहब ने हिमालय की गोद में हमें एक अलौकिक दृश्य के रूप में प्रस्तुत किया दोस्तों। तो आई होप आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है। देखिए थोड़ा सा भी अगर बेनिफिट हो रहा है तो ये आपका उत्तरदायित्व है, क्योंकि आप और मैं मिलकर एक संगठन बना रहे हैं दोस्तों अच्छे संगीत को प्रमोट करने की। तो आपका भी दोस्तों, आपकी ये ड्यूटी है दोस्तों कि ऐसे वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को और ऊर्जा मिले, मोटिवेशन मिले ऐसे और वीडियोस बनाने की। चलिए दोस्तों लेके चलता हूँ एक लास्ट कंपोजिशन की तरफ, अगेन अ ब्यूटिफुल राग, राग तिलक कामोद। इस पे मैंने दोस्तों ठुमरी भी सिखाई है, 10 लक्षण भी बताए हैं, तो ज़रूर देखिएगा आपको और बेनिफिट मिलेगा। बहरहाल आप देखिए, मुकेश साहब ने एक मूवी आई थी दोस्तों दूल्हा और दुल्हन 1964 में, कल्याण जी आनंद जी साहब, देखिए पहले मैंने चंदन सा बदन बताया, मैं तो एक ख्वाब बताया, और अब एक तीसरी रचना कल्याण जी आनंद जी साहब की मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अब ये राग देखिए कितनी इनोसेंस है दोस्तों इस राग में। सारे गा सानी पानी सारे गा सारे गरे पा मा गा रे मा पा धा मा पा सा पा धा मा गा सारे पा मा गा सारे गा सानी पानी सारे गा सा। आप इससे रिलेट कीजिए आप इस गाने को। हमने तुझको प्यार किया है इतना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना, हमने तुझको प्यार किया है इतना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। अब देखिए, पानी सारे गा सा सा नी सारे मा गरे नी पा मा मा पानी सारे गा सारे नी पा मा पानी सारे गरे सा। तिलक कामोद आपको दिख रही है कि नहीं कमेंट करके बताएं। देखिए, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे, वो भी इसी पिच पर गाया गया राशिद खान साहब द्वारा, राग यही है तिलक कामोद। अब आप देख लीजिए, दिख रही है कि नहीं ये राग दोस्तों। तूने हम पर लाख जफा की हमने अदा ही समझी, तुझसे न कोई भूल हुई तो हमने अपनी समझी, सामने तेरे यूं हंस हंस कर, सामने तेरे यूं हंस हंस कर लुटते रहे हम जितना, कौन लुटेगा इतना, कौन लुटेगा इतना, हमने तुझसे प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना, सारे गा सारे गरे पा मा गा नी सारे मा पा अब रे मा पा नी सा अब रे मा पा नी सा। ये राग देश है जो कि अंतरे में हमको दिखती है, आप देख लीजिए। सामने तेरे यूं हंस हंस कर लुटते रहे हम जितना, कौन लुटेगा इतना, कौन लुटेगा इतना। ये खूबसूरती थी दोस्तों कल्याण जी आनंद जी साहब की रचनाओं की, और ग्रेटनेस थी
मुकेश चंद माथुर साहब की, कि उन्होंने इन रचनाओं को जस्टिफाई किया दोस्तों, और हम उनको कभी भी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसी आवाज़ सदियों में एक बार होती है दोस्तों। इसलिए मेरा यही प्रयास रहता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए इन रचनाओं को आपके समक्ष रखूं, ताकि ऐसी रचनाओं को आप तैयार कीजिए, आपको इस चीज़ का आभास हो कि राग पर आधारित गाने हैं। और ये गाने अच्छे लगते क्यों हैं, क्योंकि राग की आत्मा इनमें बसी हुई है दोस्तों। तो ये मेरा हम्बल ट्रिब्यूट था दोस्तों मुकेश साहब की 45th डेथ एनिवर्सरी एज ऑन 27th अगस्त 2021 टू गिव हिम एज अ ट्रिब्यूट एंड ऑल्सो अ नॉलेजफुल लेक्चर, सो दैट यू ऑल कैन बी बेनिफिटेड एंड यू कैन प्रिपेयर दीज कंपोजिशंस एज वेल। सो थैंक यू सो मच, प्लीज डू शेयर द वीडियो और कमेंट करके बताएं मुकेश साहब की और कौन सी कंपोजिशंस पर आपको ट्यूटोरियल चाहिए। अपन कमेंट के थ्रू भी वार्तालाप करेंगे। अभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं नमस्कार करना चाहूँगा और संगीतमय सेवा में तत्पर रहूँगा, इसका आने का आपको दोस्तों वादा कर जाऊँगा। ओम शांति।